ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है, दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएँ नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पे मैं नागपुर में था, महाराष्ट्र में था, और उस वक्त खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है, दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो 2 बार के सांसद है मनोज तिवारी, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही, जब चुनाव हो रहा है इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है, तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का सवाल जो है इन चीज़ों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। पिछले बार आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते उनका एक बयान अभी आया, गिरिराज सिंह कह रहे कि जिन्हें रिजेक्ट कर दिया उन्हें कांग्रेस ने उतारा। अभी ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पांवरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। हम यही कहते हैं कि आपकी बात में ना एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी होना चाहिए, आप न्यायपूर्ण बात करें, आप ऐसी बात करें जिससे जनता को हंसी ना आए। अब बताइए वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं जब वो खुद ही जो है कांग्रेस के कई सारे जो हारे हुए नेता हैं उनको ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके भाजपा में शामिल करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब भटकाने वाली बात है, वो इसी तरह के भटकाने वाले बयान देंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे, हम रोजी रोटी कपड़ा मकान पर टिके रहेंगे, हम आम लोगों के विकास के सवाल पर टिके रहेंगे, हम आम लोगों के अन्याय की बात पर टिके रहेंगे, हम उनकी इधर उधर की बातों में फंसने वाले नहीं। प्रधानमंत्री का एक बयान कल का टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान कह दिया। अब देखिए जब चीफ ही ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके बाकी कमांडर जो हैं वो वही भाषा बोलेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हों या भाजपा के कोई भी नेता हों, आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि 10 साल में उन्होंने देश के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है और इंडिया ब्लॉक के हर पार्टी के नेता के ऊपर मनमानी कार्रवाई की गई है,